बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना जा रही हूँ रमज़ान सीरीज़ की नेक्स्ट रेसिपी इफ़ार की, और मैं बना रही हूँ पकोड़े। पकोड़े हर घर में लाजमी ही बनते हैं, तो मैंने कहा मैं भी सीरीज़ में एक बार ज़रूर पकोड़े बनाऊँ। तो बहुत सिंपल से पकोड़े हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो मैं आलू और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास आलू हैं, दो मेरे साथ आलू थे, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। बेसन मेरे पास है एक कप, और यहाँ पर मेरे पास है ये हरी मिर्चें हैं, मेरे पास एक बारी चॉप की हरी मिर्चें हैं। मेरे पास 1 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना है, 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, हसबी जुआ नमक है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरे का पाउडर है, और ये हसबी जुआ नमक है, और यहाँ पर ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था। ठीक है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर स्पाइस खाते हैं तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। तो अब जो है ना, हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं बेसन के अलावा बाकी सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने सारी चीज़ें इसके लिए शामिल कर दी हैं। तो अब जो है ना, मैं इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। चलिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना बेसन शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं उतना ले लूँगी। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डालूँगी मैं। मैं सारा बेसन इसमें शामिल कर देती हूँ इसके अंदर। अब जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उनको थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्के हल्के हाथों से पानी डालते जाएँ। उसको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लें इसका। ये देखिए, मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है, और मैंने इसको अभी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा, क्योंकि अभी ना मैंने ऑयल को गर्म करना है, तो उसमें देर हो जाएगी, क्योंकि आलू प्याज जो ना पानी छोड़ते हैं, तो इस वजह से बैटर मेरा ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पतला नहीं रखा। अगर आप उसी टाइम बनाना है तो आप इस तरह से पतला रख के आप उसको बना सकते हैं, ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर आपने इसको रखना है तो लाजमी आप इसको जो है थोड़ा गाढ़ा बनाइएगा, तो ताकि जो है ना पकौड़े आपके अच्छे से बन जाएँ। तो अब जो है ना, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है। अब जो है मैं इसके अंदर ये जो पकौड़े का बैटर तैयार किया था, अब ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत तेज़ आँच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम रखूँगी मैं इसको, फ्लेम पे फ्राई करूँगी। साइज़ आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें साइज़ को, कितने छोटे बड़े आपने रखने हैं। मैं सिर्फ दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत छोटे बन रहे बनाऊँगी ना बहुत बड़े। इस तरह से मैं सारे पकौड़े जो है ना डाल दूँगी। देखिए, मैंने डाल दी हैं। अब जो है मैं इनको फ्राई करूँगी, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी, ताकि जो कच्चे ना रहे अंदर से, अच्छे से पक भी जाए, उसे क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी, और जब तक इसके अंदर कलर नहीं आ जाता। देखिए, पकौड़ों में देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, पकौड़े जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब जो है मैं इनको बाहर निकालूँगी, और आपको जो है इसको मैं सर्व करके दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने इस पकौड़ों को सर्व कर दिया है, लेकिन साथ में मैंने केचप के साथ सर्व किया है। और आप देखें, यहाँ पे मैंने फ्रूट भी रखे हैं, पूरी इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, पकौड़े बन गए, साथ में ये फ्रूट हैं। पकौड़े जो है काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, आप इसको एंड टाइम पे तले जब इफ्तारी का टाइम हो, ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं क्रिस्पी हैं ये जो पकौड़े हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत ही जल्दी से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। तो ट्राई करते पीछे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप हमें वहीं फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।